हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अल्फा पल में। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो हर एक पीसी यूजर को मालूम होना चाहिए। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो 10 ट्रिक्स कौन सा है जो आपको एक प्रोफेशनल पीसी यूजर बना सकता है, तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आपको अपना पीसी का समरी देखना हो तो आप अपना कीबोर्ड पर प्रेस करिए विंडोज R। अब आपको रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, उसमें टाइप करिए MS Info 32, उसके बाद ओके पर क्लिक करिए। अब यहाँ पर आपका पीसी का जो भी समरी है वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा, जैसे कि इसमें आपका OS का नाम दिखेगा, उसका वर्जन दिखेगा, डिस्क्रिप्शन दिखेगा, मैन्युफैक्चरिंग दिखेगा, उसके बाद सिस्टम नेम दिखेगा। ऐसे ही करके आपका यहाँ पर बहुत सारा चीज, रैम कितना जीबी है, हार्ड डिस्क कितना है, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका पीसी कितना बिट का है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद इस साइड में हार्डवेयर, उस पर आप क्लिक करेगा तो और भी बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही करके यहाँ पर बहुत सारा डिवाइस का इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, यानी कि होल पीसी का A to Z आपको यहाँ से जानकारी मिल सकता है। नंबर 2, एज लैंग्वेज। अगर आप अपना पीसी में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज यूज करते हैं और आपको अगर हिंदी यूज करना है या और कोई लैंग्वेज यूज करना है, अगर आप उस लैंग्वेज को अपना पीसी में एड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाके टाइप करिए लैंग्वेज, उसके बाद आपको लैंग्वेज सेटिंग बोल के एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिए। आप यहाँ से एड लैंग्वेज पर क्लिक करके लैंग्वेज को एड कर सकते हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करिए, उसके बाद आपको जो लैंग्वेज एड करना है वो लैंग्वेज यहाँ पर सर्च करिए, अब इस पर क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करिए, सेट एज माई डिस्प्ले लैंग्वेज पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। ये करने के बाद आपका जो भी डिस्प्ले लैंग्वेज होगा, जो सिस्टम लैंग्वेज होगा, वो पूरी तरीके से हिंदी में चेंज हो जाएगा, आप उसे फिर बाद में चेंज भी कर सकते हैं। फिलहाल इसे अनटिक ही रहने दें, अब इंस्टॉल पर क्लिक करें। अब आपका लैंग्वेज इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, इसमें कुछ टाइम लगेगा और आपका ये लैंग्वेज इंस्टॉल हो जाएगा। नंबर 3, इनेबल डार्क मोड। अगर आप अपना पीसी में डार्क मोड इनेबल करना चाहते हैं तो आप सिंपली यहाँ पर सर्च बॉक्स में जाए और यहाँ पर थीम लिखे, उसके बाद इस ऑप्शन पर क्लिक करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास बहुत सारा थीम है। अगर आपके पास ये थीम का ऑप्शन नहीं है तो आप एक OS नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसे डाउनलोड करके अपना पीसी में इंस्टॉल करिए और आपका जो भी थीम अपना पीसी में अप्लाई करना है उस थीम पर आप क्लिक करिए, उसके बाद यहाँ पर यूज कस्टम थीम पर क्लिक करिए। पहले थीम को सिलेक्ट करिए, जैसे यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया हूँ, उसके बाद यूज कस्टम थीम पर क्लिक करिए, आप देख सकते हैं मेरा पीसी में डार्क थीम अप्लाई हो चुका है। नंबर 4, क्लियर ऑल अननेसेसरी फाइल। अनवांटेड फाइल बोले या अननेसेसरी फाइल बोले, जो फाइल हमें नहीं चाहिए वो फाइल को आप क्लियर कैसे करें, उसके लिए आप अपना कीबोर्ड पर विंडोज R प्रेस करें, उसके बाद यहाँ पर टेम्प लिखे इंटर करे या तो ओके पर क्लिक करे, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जितना भी फाइल है इसे कंट्रोल A और शिफ्ट डिलीट को प्रेस करें और एस पर क्लिक करें या तो इंटर प्रेस करें, उसके बाद जो भी टेम्पररी फाइल था वो सारा के सारा डिलीट हो चुका है। इसमें और एक ट्रिक होता है, अब यहाँ पर टेम्प के आगे पीछे आप परसेंटेज लगा सकते हैं, अब लिखे यहाँ पर परसेंटेज टेम्प परसेंटेज ओके करें, और फिर से यहाँ पर आपको जितना भी फोल्डर फाइल दिख रहा है ये कोई भी काम का नहीं है, ये सब फालतू का फोल्डर फाइल यहाँ पर बना हुआ है, और इसे डिलीट करने के लिए कंट्रोल ए करें और शिफ्ट डिलीट का बटन कीबोर्ड पर प्रेस करें, एस पर क्लिक करें, डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करें, आपका जितना भी फालतू का फाइल होगा वो सभी अब डिलीट हो चुका है, तो अब आपका पीसी का स्पीड थोड़ा इंक्रीज होगा।
अब पीसी का स्पीड से रिलेटेड एक और ट्रिक है जो कि नंबर 5 में है, डिसेबल स्टार्टअप प्रोग्राम। आपका पीसी में जो भी स्टार्टअप प्रोग्राम है उसे डिसेबल कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट एस, इसे प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा स्टार्टअप। अब यहाँ से देख सकते हैं मेरा जितना भी प्रोग्राम है वो सब डिसेबल है। अगर ये इनेबल दिखा रहा है आप में तो इसे यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ से डिसेबल पर क्लिक करें। अब ये देख सकते हैं डिसेबल हो चुका है। तो इसे डिसेबल करने के बाद आपका जो पीसी का ऑन टाइम होता है वो इंक्रीज होगा। नंबर 6 में जो है वो है किसी भी वेबसाइट का रैंक कैसे चेक करें। जैसे कि मुझे कोई भी वेबसाइट का रैंक देखना है, उस वेबसाइट का रैंक क्या है, अगर वो आपको देखना है तो आप सबसे पहले उस वेबसाइट को ओपन करें। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एलेक्सा नाम का मेरे पास एक्सटेंशन है, उस पर क्लिक करें। अब देख सकते हैं फेसबुक का वर्ल्ड वाइड रैंक 4th है और US रैंक भी 4th है। अगर ये एक्सटेंशन आपके पास नहीं है तो आप ऐप में जाकर वेब स्टोर पर जाइए, उसके बाद यहाँ पर एलेक्सा लिखकर इंटर करिए। अब यहाँ पर आपको दिखा देगा एलेक्सा ट्रैफिक रैंक, इसे आप यहाँ से ए टू क्रोम कर सकते हैं। जैसे कि मेरा वे पहले से है तो मुझे रेट इट का ऑप्शन दिखा रहा है। अब जैसे कि दूसरा वेबसाइट का रैंक देख लेते हैं, जैसे किक्सवे है, इसका रैंक देख लेते हैं कितना है। तो इसका रैंक देख सकते हैं आप वर्ल्ड में 327 और इंडिया में 106 है। और इसका स्पीड भी देख सकते हैं आप, सिमिलर वेबसाइट भी यहां से पता लगा सकते हैं और यहां से आप साइट का लिंक भी देख सकते हैं। नंबर 7 में है चेंज यूजर प्रोफाइल आइकन ऑन योर पीसी। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं मेरा पीसी का जो आइकन है उसका ये दिखा रहा है। अगर मुझे चेंज करना है तो मैं यहां पर क्लिक करूंगा, उसके बाद चेंज अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करिए, उसके बाद यहां से आप ब्राउज पर क्लिक करिए। अब यहां से जो भी आपको प्रोफाइल पिक्चर बनाना है उसे सिलेक्ट करिए। जैसे कि मैं फिलहाल इस YouTube का आइकन को सिलेक्ट कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल का आइकन अब YouTube का लोगो हो चुका है। यहां पर भी आप देख सकते हैं आप आइकन चेंज हो चुका है। नंबर 8, एड यूजर ऑन योर पीसी। अगर आप कोई एक यूजर को एड करना चाहते हैं अपने पीसी में, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ एक ही यूजर है, यहाँ से साइन आउट करने का ऑप्शन है लेकिन यूजर को चेंज करने का ऑप्शन नहीं है। अगर आप किसी और सेकेंड यूजर को एड करना चाहते हैं तो अब यहाँ से कर सकते हैं। सेटिंग में जाकर अकाउंट में जाइए, उसके बाद आपको यहाँ पर मिलेगा फैमिली एंड अदर यूजर, इस पर क्लिक करिए। अब यहाँ से एड अ फैमिली मेंबर पर क्लिक कर सकते हैं या तो एड अ सम एल्स टू दिस इसी पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पर आप ईमेल और फोन नंबर डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पर आप क्लिक करिए आई डोंट हैव दिस पर्सन साइन इन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ से फिर से बोलेगा आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अगर आप क्रिएट नहीं करना चाहते अकाउंट तो यहाँ पर आप क्लिक करिए एड अ यूजर विदाउट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। उसके बाद आप उस यूजर का नाम क्या रखना चाहते हैं वो नाम यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप कोई पासवर्ड रखना चाहते हैं तो पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, उसका नेक्स्ट पर क्लिक करिए। जब भी यूजर अपना प्रोफाइल को ओपन करना चाहेगा तो उसे पहले पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा, जब आप यहाँ पर पासवर्ड सेट करिएगा। तो फिलहाल मैं इसे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, उसके बाद से नेक्स्ट पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आप देख सकते हैं एक अल्फा पल का यूजर यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब ये भी लोकल अकाउंट है, इसे चेंज कर सकते हैं, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर चेंज अकाउंट टाइप का ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ से आपको रिमूव का ऑप्शन मिल जाएगा, जब चाहे तब आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो फिलहाल चेंज अकाउंट पर क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टैंडर्ड को हटाकर एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक कर सकते हैं आप और ओके कर सकते हैं। अब ये यूजर एडमिनिस्ट्रेटर हो चुका है, अब ये पूरा पीसी को एक्सेस कर सकता है। अगर आपको इस यूजर को रिमूव करना हो तो आप सिंपली इस रिमूव बटन पर क्लिक करिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब अपना प्रोफाइल पर क्लिक करेगा तो यहाँ पर दूसरा यूजर अकाउंट ऑलरेडी आ चुका है। नंबर 9, अगर आप अपना पीसी में कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक करना चाहते हैं, जैसे कि आपका पीसी बहुत सारे लोग यूज करते हैं और आप चाहते हैं कि वो लोग इस वेबसाइट को एक्सेस ना कर सके, तो आपको एक कोड लिखना होगा। उस कोड की मदद से आप अपना पीसी में कोई भी वेबसाइट को
ब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पर सर्च करें नोट पैड, और नोट पैड को सर्च करने के बाद यहाँ पर राइट क्लिक करें, उसके बाद रन एज अ एडमिनिस्ट्रेटर पर क्लिक करें। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्क्रीन दिख रहा होगा एस और नो का, तो आप सिंपली एस पर क्लिक करें, उसके बाद आपका नोट पैड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आपको फाइल पर जाना है, ओपन पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको सी ड्राइव में जाना है, और यहाँ से आपको विंडोज पर क्लिक करना है। अब नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर सिस्टम 32 को फाइंड करिए और उसे ओपन करिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करिए और यहाँ पर आपको ड्राइवर्स दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आपको ETC नाम का एक फोल्डर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं दिखा रहा है, नो आइटम्स मैच योर सर्च, तो यहाँ से आप क्लिक करिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर और यहाँ से ऑल फाइल पर सिलेक्ट करिए। अब आपको यहाँ पर कुछ फाइल दिख रहा होगा, इस फाइल को ओपन करिए, HOSTS ओपन पर क्लिक करिए। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका फाइल ओपन हो चुका है। एक IP एड्रेस डालिए, उसके बाद आपको जो भी वेबसाइट को ब्लॉक कर रहा है उस वेबसाइट का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IP एड्रेस है और यहाँ पर वेबसाइट का नाम है। ये सारा वेबसाइट मेरा सिस्टम में ब्लॉक है अभी। जैसे कि मुझे आपको दिखाने के लिए एक IP में टाइप करता हूँ, आपको भी यही IP टाइप करना है। उसके बाद यहाँ पर 1 टाइप करिए, आप 2 भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद टैब को प्रेस करिए और आपको जो भी वेबसाइट को ब्लॉक करना है उस वेबसाइट का पूरा नाम यहाँ पर लिखिए, जैसे कि www.facebook.com। अब फाइल पर क्लिक करिए और सेव पर क्लिक करिए। नेक्स्ट है 10 नंबर का डेटा इनक्रिप्ट। आपका PC में आपका बहुत सारा डेटा होता है, अगर आप उसे इनक्रिप्ट करके रखना चाहते हैं, जो भी डेटा को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं या जो भी फाइल को इनक्रिप्ट करना चाहते हैं, उस फाइल को आप ओपन करें। जैसे कि यहाँ पर एक फाइल है अल्फा लोगो नाम का फोल्डर है, उस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर एडवांस पर क्लिक करें और यहाँ से इनक्रिप्ट का ऑप्शन मिल जाएगा आपको, उस पर क्लिक करें, ओके करें, अप्लाई करें, फिर से इस पर टिक करें। यहाँ पर देख सकते हैं अप्लाई चेंजेस टू दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल, जितना भी सब फोल्डर फाइल है सब इनक्रिप्ट हो जाना चाहिए, इसलिए इस पर टिक करें, ओके करें, और आपका जितना भी फाइल था फोल्डर था उस फोल्डर के अंदर वो सब इनक्रिप्ट हो चुका है। अब आप ओके करिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक लॉक आइकन आ चुका है, अब ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब ये इनक्रिप्ट क्या काम करता है, जैसे कि ये फाइल या फोल्डर अगर कोई भी पेन ड्राइव के जरिए या किसी भी माध्यम से इसे सेंड करेगा तो उसका PC में ये फोल्डर या ये फाइल वर्क नहीं करेगा। जैसे कि मेरे पास ये इमेजेस है, तो ये जितना भी लोगो है या जो भी इमेज है ये इमेज उसका PC में ओपन नहीं होगा। तो ये फायदा है डेटा इनक्रिप्ट का। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर अभी तक ये वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।